बीच पे सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने बीजेपी को किसान विरोधी सरकार कहा और जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी धन्ना सेठों द्वारा चलाई जाने वाली देश की सबसे बड़ी धनवान व शाही खर्च वाली पार्टी है, फिर भी बीजेपी के गुरु चेले यहाँ अपनी जनसभाओं में गरीबी का ही रोना रोते रहते हैं, जो इनकी ये केवल चुनावी चाल है। और जहां तक विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी नेतृत्व को दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी कहकर आरोप लगाने का सवाल है, तो ये भी ऐसा वही लोग कहते हैं जिनकी मानसिकता दलितों के प्रति शुरू से ही घोर जातिवादी है। मैं 4 बार यूपी की सीएम रही हूँ, लेकिन मेरी विरासत इतनी पाक साफ तथा जनहित व विकास एवं अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी इतनी ज्यादा शानदार रही है, बेहतरीन रही है कि लोग उसकी तारीफ आज भी करते हुए थकते नहीं हैं। जबकि पीएम श्री नरेंद्र मोदी मुझसे ज्यादा समय तक गुजरात के सीएम जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत ऐसी है जो न केवल उन पर बल्कि बीजेपी पर तथा देश के सांप्रदायिकता के इतिहास पर एक बोझ व काला धब्बा भी है।